नमस्कार दोस्तों, अर्लीवुड पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ से और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों लाइफ में यदि आप कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अर्निंग करना चाहते हैं घर से पार्ट टाइम में फुल टाइम करके, ठीक है, तो मोबाइल इंटरनेट से या वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो ये ज्वाइन बटन कर लीजिए, यहाँ से ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिएगा। ज्वाइन बटन ज्वाइन करके अर्लीवुड का मेंबरशिप ले सकते हैं आप। मिनिमम 29 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं और 8000 तक, यानी 7999 तक है, लेकिन आप 29 से स्टार्ट कीजिए। यदि आपको पसंद आता है हमारा 29 का सर्विस तो आप उससे ऊपर वाला 599 में जा सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको अर्निंग सॉल्यूशन पूरा प्रूफ के साथ मिलता है आपको और भी जितने भी तरह की प्रॉब्लम है आपकी सारी प्रॉब्लम उसमें सॉल्व होती है और उनसे बड़े बड़े उससे ऊपर वाली भी मेम्बरशिप है। चलो अब बात करते हैं दूसरा दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा 15 डेज यानी 15 दिन बचा है। और दोस्तों 15 दिन बचा है क्या, किस चीज़ को 15 दिन बचा है लगभग, और वो भी मोरेटोरियम 3.0 यानी मोरेटोरियम एक्सटेंशन और प्लस लोन रीस्ट्रक्चरिंग का। इसकी जो पॉलिसी है कम्प्लीटली डिफरेंट है, जो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट करता है इतना कुछ समझाने के बाद भी। तो दोस्तों आप सभी लोग परेशान होंगे, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने कई सारे वीडियो में बताया हुआ भी है आपको क्या करना चाहिए, क्यों घबराना नहीं चाहिए, इस पॉलिसी से डरना नहीं है आपको, ठीक है। बैंक ने बहुत सारी राहतें देना स्टार्ट कर दी है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। आखिर 15 दिन बचा है तो आपको कौन कौन सी तैयारियां करनी है, आप ये सोच के चलो जो आपको 15 दिन के बाद एग्जाम में बैठना है, एग्जाम देना है, तो एग्जाम देने से पहले आपको कुछ ना कुछ तैयारी करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना। यदि आप वो प्रिपरेशन नहीं करके जाएंगे, एग्जाम में डायरेक्ट बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगा, फेल कर देंगे। फेल करने का मतलब कि आपको न तो मोरेटोरियम मिलेगा न तो रीस्ट्रक्चरिंग मिलेगी, तो उस केस में फिर आपको अगले महीने की जो ईएमआई है वो तो जाएगा ही जाएगा। और यदि बाउंस हो गया, फेल हो गया, तो फिर आपका सिविल भी खराब होगी और आपकी जो ईएमआई है वो बाउंस होगा तो अकाउंट में चार्जेज भी लगेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, अदरवाइज यदि मिस कर देंगे तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर आपकी मर्जी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं दोस्तों, 15 दिन बचा है तो 15 दिन कैसे बचा है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए। हम आपको ज़रा टाइम चेक करा दें, एक दो वीडियो में मैंने टाइम चेक कराना भूल गया तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आप टाइम चेक कर लीजिए। ये देखिए ओपन हो रहा है, ज़रा थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, ये ओपन हो गया, ठीक है। अब इसका टाइम जो है, अब आप इसका टाइम ज़रा चेक कर लीजिए अभी का टाइमिंग कितना हो रहा है, ताकि आपको हम आगे जो बताएंगे उसमें आपको काम पड़ेगा। ये देखो वर्क आएगा, 5:48 हो रहा है, 5:48 और 13 अगस्त है, यानी 13 अगस्त यानी समझ लो आधा महीना तो निकल गया अगस्त का। अब हमने बोला है 15 दिन के बाद 15 दिन बचा हुआ है, तो आज से देख लो 15 दिन तो बचा ही है ना, आज कल से, तो आज का ही निकल गया एक दो, ये लगभग मान के चलो 15 डेज बचा है। तो अब ये 15 डेज किस चीज़ के लिए बचा है, अब आपको जानना पड़ेगा। ये दोस्तों आपको मालूम है जो आरबीआई के जो नोटिफिकेशन था मोरेटोरियम एक्सटेंशन वाला पार्ट टू वाला, तो वो 31 अगस्त को एक्सपायर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है 31 अगस्त को। जब ख़त्म हो रहा है तो फिर आपको उस केस में क्या करना चाहिए दोस्तों, उस केस में आपको आरबीआई की जो नई वाली जो पॉलिसी है लोन रीस्ट्रक्चरिंग प्लस मोरेटोरियम वाला, तो उस पॉलिसी को फिर 31 अगस्त से अप्लाई करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। मीन्स आपको वो यदि मिल जाती है इस पॉलिसी के तहत, आपको या तो मोरेटोरियम मिल जाता है कुछ टाइम के लिए, 2 महीने के लिए मिल जाए, 1 महीने के लिए मिल जाए, 3 महीने के लिए मिल जाए, लेकिन जितने भी महीने के लिए मिलेगा बैंक वो आपको दे सकती है, मोरेटोरियम भी दे सकती है वो और आपको रीस्ट्रक्चरिंग भी दे सकता है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप या फिर आपके पास जो कुछ भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूफ करता है जो आपकी अर्निंग बहुत ही कम हो गया है, ठीक है, तो आपको बैंक ये सारे इसका मोरेटोरियम का बेनिफिट दे सकता है और आपको लोन रीस्ट्रक्चरिंग का भी बेनिफिट दे सकता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आरबीआई ने अपना नोटिफिकेशन निकाला था, नोटिफिकेशन में भी निकाला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमेटी भी कंस्टिट्यूट की थी, तो उस कमेटी में भी कई सारे इम्प्रूवमेंट हो चुका है, ठीक है। जो पहले पहले जो डिफॉल्टर का टाइम था, यदि आपने 30 दिन तक पे नहीं किया है तो आपको इस पॉलिसी के तहत आपको बेनिफिट मिलता है, मोरेटोरियम और रीस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अब क्या कर दिया, अब उनको 60 डेज कर दिया है, 60 डेज किया नहीं है लेकिन अभी होने वाला है, ठीक है, जिस पे बैंकों ने रिकमेंडेशन भेजा है, तो आपको इस पॉलिसी के तहत आपको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। और इसके लिए हमने आपको न्यूज भी दिखाया था मॉर्निंग में, जो शायद आज ही दिखाया था या कल दिखाया था, ठीक है, तो आज ही दिखाया था, आप चेक कर लेना, एक CNBC का, यहाँ ये देखो 60 डेज, ये आज की ही है,
ठीक है, कल 12 अगस्त था और आज हमने वीडियो में बनाया था, तो इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बोरोवर 60 डेज यानी ओवरड्यू, यदि आपका 60 दिन तक कोई भी लोन का या क्रेडिट कार्ड का बिल ओवरड्यू है या ईएमआई ओवरड्यू है तो आपको ये मिल सकता है, ठीक है। शुड बी एलिजिबल मीन्स बैंकों ने रिकमेंड किया है आरबीआई की जो कमेटी है उसको, तो ये 60 दिन हो सकता है, ठीक है, 60 दिन होने की गुंजाइश, 60 दिन होने का संभावना पूरा का पूरा लग रहा है, ठीक है। तो पहले कितना था यहाँ पर देखिए, इधर 30 डेज था, यहाँ पर लिखा हुआ मोर देन 30 डेज से ज़्यादा डिफॉल्ट नहीं होने चाहिए तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अब 60 दिन होने की गुंजाइश है। अब देखो इसके तहत तो मैंने इसीलिए बोला 15 दिन बचा हुआ है, तो 15 दिन इसीलिए बचा है क्योंकि अभी अगस्त निकल गया और इधर 14-15 दिन और बचा हुआ है, तो अब आपको इस बीच में क्या क्या तैयारी करना चाहिए, इस बीच में आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट है ये सभी डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार कर लो। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या, आपको अपनी सैलरी स्लिप, ये देखो बैंक स्टेटमेंट तो आपको चाहिए ही चाहिए, सैलरी स्लिप या सैलरी स्लिप चाहिए ही चाहिए आपका, ठीक है, और फिर आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सब तो ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। लोन एग्रीमेंट साइन करने के लिए आपको दोबारा ब्रांच में जाना पड़ सकता है, तो इसके लिए आप अपनी ब्रांच में कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर लो, यदि आपको लगता है तो कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट करो। लेकिन ईएमआई जब जिस डेट में जाएगी आपकी सितंबर की, उनसे कोशिश करना 6-7 दिन 7-8 दिन पहले आप ब्रांच से संपर्क में रहो। इससे क्या होगा, जो ईएमआई डेबिट होने से 7 दिन जिस डेट तक डेबिट होगा उस डेट तक आपको हो सकता है मॉरेटोरियम भी बैंक वाला दे दे, ये ग्रांटिंग ऑफ मॉरेटोरियम कर दे, मॉरेटोरियम ग्रांट कर दे या आपको रिस्ट्रक्चरिंग दे दे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पहले से करके तैयार कर रखना पड़ेगा, यदि आप मिस कर देंगे तो नुकसान तो आप ही का है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आपको बता दिया, दो तीन चीज़ बता दिया, जो आप 15 दिन अभी बचा है, 15 दिन आप मॉरेटोरियम को इन्जॉय कीजिए और 15 दिन के बाद अपने ईएमआई डेबिट डेट से 7 दिन पहले आप बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अभी भी कॉन्टैक्ट करके जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे ईएमआई डेबिट होने में दिक्कत परेशानी नहीं हो और उस ईएमआई डेबिट होने से पहले ही आपको या तो मॉरेटोरियम मिल जाए या आपको रिस्ट्रक्चरिंग मिल जाए आरबीआई के जो ये रिजोल्यूशन पॉलिसी है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियो में हम हर अलग अलग जानकारी बताते हैं, आप लोगों को लगता है जो एक ही चीज़ बताते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको वीडियो देखने वीडियो की रिकॉर्डिंग देखेंगे, डेट देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पॉलिसी आपको याद ही नहीं है अभी इस पॉलिसी में क्या क्या लिखा हुआ है, इसीलिए आप लोग बोलते हो एक ही चीज़ कुछ भी नहीं है, हर चीज़ अलग अलग है, अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर लीजिए ताकि सभी लोगों को बेनिफिट हो सके। थैंक यू दोस्तों।